साथ में हम आज मीडिया के माध्यम से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि मुस्ताक़े रसूल की सज़ा के लिए एक पार्लियामेंट में और स्टेट की हुकूमतें असेंबलियों में कानून बनाएं और उस कानून का नाम पैगंबर इस्लाम बिल हो, ताकि जगह जगह देखा जा रहा है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर ये कानून बन जाएगा तो हम ये समझते हैं कि फिर गुस्ताखे रसूल की सज़ा मुकर्रर हो जाएगी और फिर कोई पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। और ऐसे ही हम सरकारों से कहना चाहते हैं कि वो स्कीमें बनाएं और वो स्कीम ऊपर से लेकर नीचे तक अल्पसंख्यकों को पहुंचना चाहिए, सबको फ़ायदा पहुंचे, मुसलमान कम्युनिटी डेवलप होगी, हमारा देश डेवलप होगा। हम चाहते हैं कि देश 2047 तक जो है वो भारत देश ऊंचाइयों की मंजिल पर पहुंच जाए। और साथ पॉलिटिकल पार्टियों को आला हजरत के उर्स के मौके पर तमाम उलमाए कराम ने भारत के मुसलमानों के सिलसिले में ये एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है, जिसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुस्लिम एजेंडे को हम जारी कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो बातें कही गई हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उलमाए कराम ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो भारत सरकार लेकर के आई है पार्लियामेंट में, उसका हम समर्थन करते हैं और लाल किला से प्रधानमंत्री ने सेकुलर सामान नागरिक संहिता की जो बात कही है, तो सेकुलर सामान नागरिक संहिता भारत के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये शरीयत में सीधे सीधे तौर पर मुखालफत है, मुदाखलत है। कोई भी काम चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, शरीयत में मुदाखलत होगी, मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत होगी या किसी एतबार से छेड़छाड़ किया जाएगा तो भारत का मुसलमान उसको मंजूर नहीं करेगा। और मुस्लिम कौम को उलमा ने ये हिदायतें दी हैं मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से कि जो मुसलमानों के दरमियान जो बुराइयां आ गई हैं, जैसे कि शराब नोशी है, जुआ है, सूद है, ब्याज है, एक साथ में 3 तलाक देना है, लड़कियों का को ज़मीन व जायदाद में हक नहीं देना है, इन तमाम चीज़ों पर कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और जो इस्लाम का सही रास्ता है, शरीयत ने जो सही उसूल बताए हैं उस पर अमल किए जाएं, एक साथ 3 तलाक न दी जाए, लड़कियों को ज़मीन जायदाद में हिस्सा दिया जाए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। मुसलमान जो ईमानदार मुसलमान हैं वो अलग अलग लड़कियों के लड़कों के पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के खोलें ताकि हुकूमत की मोहताजी न रहे। इसी के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं उलमा ने, और मुस्लिम एजेंडे में कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को दिक्कतें परेशानियाँ हैं, छोटे छोटे मसाइल हर स्टेट में अलग अलग हैं, कहीं बिल्डोजर चला जा रहा है, गुस्ताखे रसूल के नाम पर एहतजाज किया गया, तो मध्य प्रदेश में एहतजाज करने वालों को, अपने अधिकारों अपने हुकूक की बात करने वाले को जेल भेज दिया गया, उसके मकान पे बिल्डोजर चलाया गया, तो ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे ही केंद्र सरकारों को हिदायतें दी गई हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से यानी अल्पसंख्यक के ताल्लुक से स्कीमें बनाई जाएँ, वो पारदर्शिता की जाए और अलिफ से लेकर ये तक वो स्कीमें अल्पसंख्यकों तक पहुँचाई जाए ताकि उनका फ़ायदा गवर्नमेंट की स्कीमों से मिल सके। पॉलिटिकल पार्टियों को हिदायतें दी गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी मुसलमानों को बंधवा मजदूर न समझे और ये न समझे कि मुसलमान जो है वो बीजेपी का नाम लेकर के हम मुसलमानों को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोल देंगे। इस गलतफहमी में पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रहना चाहिए। मुसलमान अपने अच्छे बुरे का और नफ़ा नुकसान का खुद वो समझता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो खुद फैसला करेगा, किसी के कहने पर फैसला करने वाला नहीं है, इसलिए मुसलमानों को बंधवा मजदूर ना समझा जाए।